अमेरिका के बाद अब आईएमएफ ने भी आपातकाल में अफगानिस्तान के इस्तेमाल के लिए रखी गई करोड़ों की संपत्ति सीज करने का लिया फैसला। आईएमएफ के अनुसार तालिबान के कब्जे में आने के बाद अब अफगानिस्तान के भविष्य को लेकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तालिबान ने भारत से आयात और निर्यात पर रोक लगा दी है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक तालिबान ने पाकिस्तान के ट्रांजिट रूट से होने वाली सभी कार्गो मूवमेंट रोक दी है, जिसके चलते ड्राई फ्रूट्स के दामों में जबरदस्त बढ़ोतरी हो गई। अफगानिस्तान के हालात पर 21 देशों ने चिंता जताई और यूएस यूके समेत 21 देशों ने संयुक्त बयान दिया और अफगानिस्तान में महिलाओं लड़कियों की स्थिति को लेकर चिंता जताई। कहा कि हम उनकी सहायता के लिए तैयार हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने तालिबान समर्थकों पर निशाना साधा। उन्होंने महिलाओं और बच्चों के साथ तालिबान की क्रूरता का भी जिक्र किया। सीएम ने कहा कि कुछ लोग बेशर्मी से तालिबान का समर्थन कर रहे हैं, इनको एक्सपोज करना चाहिए। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में जेसीओ शहीद हो गए। इस दौरान मुठभेड़ में एक आतंकी को भी किया गया ढेर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का मोतियाबिंद का ऑपरेशन रहा सफल। नई दिल्ली के आर्मी अस्पताल में उनकी आंख के मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया। फिलहाल राष्ट्रपति को डिस्चार्ज कर दिया गया है। भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे में 36,401 कोरोना के मामले सामने आए और 530 कोरोना संक्रमितों की जान गई। 24 घंटे में 39,157 लोग ठीक हुए। पश्चिम बंगाल सरकार को लगा बड़ा झटका। कलकत्ता हाईकोर्ट ने चुनाव के बाद हिंसा मामले में सीबीआई जांच के दिए आदेश। कोर्ट ने एसआईटी टीम के गठन का भी निर्देश दिया और राज्य सरकार को पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए कहा। भारत चीन सीमा को जोड़ने वाली सड़क पर लैंडस्लाइड हो गया, जिसका मलबा चमोली नीति सीमा सड़क पर आ गया। ये मार्ग पिछले एक सप्ताह से बाधित, फिलहाल मार्ग को खोलने का काम जारी। कोच के तौर पर रवि शास्त्री का कार्यकाल टी20 वर्ल्ड कप के बाद हुआ खत्म और अब राहुल द्रविड़ भी कोच की रेस से बाहर होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि राहुल द्रविड़ ने नेशनल क्रिकेट अकादमी का डायरेक्टर बने रहने के लिए दोबारा एप्लीकेशन डाला।